गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9th एसएसटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी एज वेल एनी टू रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन ईच कम्युनिटीज विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स कौन से दो सामाजिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक तौर से जो ग्रुप्स हैं आर मोर वल्नरेबल जो पीड़ित हैं टू पॉवर्टी यानी जो गरीबी से पीड़ित हैं यानी जो गरीबी से ग्रसित हैं वो आपको दो ग्रुप्स इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप के नाम लिखने एक्सप्लेन एनी टू रीजंस ऑफ पॉवर्टी और गरीबी के यानी वो लोग क्यों गरीब हैं और उनकी गरीब होने के दो रीज़न बताने हैं। आंसर जो ग्रुप्स पॉवर्टी के वल्नरेबल हैं वो ग्रुप्स हैं पुअर पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट के लोग गरीब हैं पुअर पीपल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स जनजात के लोग हैं एग्रीकल्चर लेबर जो खेत किसानी मजदूर हैं एंड कैजुअल लेबर है और एग्रीकल्चर लेबर है ये भी गरीब हैं। बैकवर्ड क्लास पीपल जो बैकवर्ड पिछड़ी जात के लोग हैं लर्निंग पीपल विमेन चिल्ड्रन फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज पीपल यानी जो फिजिकली और मेंटली यानी जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं वुमेन चिल्ड्रन लर्निंग पीपल ये सारे लोग गरीबी से ग्रसित हैं। रीजन ऑफ पॉवर्टी इन सच कम्युनिटीज इस तरह की कम्युनिटीज में जो पॉवर्टी फैली हुई है जो गरीबी फैली हुई उसके रीज़न क्या है आपको मैं ऑर्डर करा रही हूँ आप करिए। इन इंडिया का सिस्टम है भारत में जो जाति कास्ट सिस्टम है जो जात वाला सिस्टम है ये बहुत बुरा है इसका प्रभाव बहुत गलत है। इन दिस सिस्टम पीपल फ्रॉम सच कम्युनिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज दैट अदर एंजॉय इन दिस सिस्टम इस सिस्टम में क्या होता है पीपल फ्रॉम सच कम्युनिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज दैट अदर एंजॉय इन लोगों को वो सुख सुविधाएँ और मौके नहीं मिलते हैं जो मौके दूसरे जो फायदे जो मौके दूसरे उठाते हैं और उसका इंजॉय करते हैं। इलिटरेसी इज वन ऑफ द कॉसेस अशिक्षा इलिटरेसी इसका एक जो मेन कॉसेस है मेन कारण है वो है अशिक्षा दे आर मोस्टली इलिटरेट ये लोग ज़्यादातर अधिकांशता इलिटरेट होते हैं अनपढ़ होते हैं अशिक्षित होते हैं। वेल दे माइग्रेट टू द टाउन्स जब वो लोग टाउन्स में माइग्रेट करते हैं दे वर्क इन फैक्ट्रीज वो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं एट द शॉप इट इज द फैक्ट्री ऑनर्स एंड शॉपकीपर्स एक्सप्लॉइट्स देम तो वहाँ के दुकान वाले और वहाँ के मालिक जो होते हैं वो उनका शोषण करते हैं। दे आर एक्चुअली लैंडलेस यानी एससी और एसटी लोग होते हैं वो लैंडलेस यानी भूमिहीन होते हैं। दे वर्क एज लेबरर्स इन द फील्ड वो खेतों में मजदूर के तौर पे काम करते हैं। दे आर नॉट पेड इनफ और उनको जो उनका परिश्रम होना चाहिए वो उस परिश्रम के अनुसार और उनको पेड नहीं किया जाता है। तो यही कारण है जो उनकी पॉवर्टी गरीबी के यही मेन कारण है। नाउ होमवर्क में रिटर्न और ऑरल आपको नोट करना है ओके।